और ये सेकेंड फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो देखो अच्छा, ई की पावर 2x sin π/4 x है क्या? इसको तो अपन एक काम करना क्योंकि ये तो ई की पावर 2x आ रहा है ना बेटा, तो पहले मैं इसको डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आल्फा या इक्वल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए सर, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x सर, ई की पावर 2x अपॉन, 2x अपॉन 2 ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, साइन का डिफरेंसेशन और पाई बाय फोर प्लस एक्स का वन और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x/2 dx प्लस, तो फिर आ गया हमारा ई की पावर 2x/2 साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स 1/2 e की पावर 2x इंटू कोस पाई बाय फोर प्लस एक्स, फिर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो आई इक्वल टू e की पावर 2x/2 साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स 1/2 कोस पाई बाय फोर प्लस एक्स एज इट इज और e की पावर 2x का e की पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 dx प्लस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ गया आपका e की पावर 2x/2 साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स माइनस 1/4 ई की पावर 2x कोस पाई बाय फोर प्लस एक्स, ना माइनस और माइनस प्लस और फिर माइनस, ये हो गया आपका 1/4। और बेटा अंदर देखो ई की पावर 2x साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स आई के बराबर है, ये वाली वैल्यू आई के बराबर है कि नहीं देखो, है तो ये आ गया आपका माइनस आई बाय फोर, क्लियर यहां तक? बोलिए भाई, अरे क्लियर है? अब यस सर, ये आई बाय फोर इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आई प्लस आई बाय फोर और इधर से 1/4 कॉमन आ गया अंदर से और ई की पावर 2x भी कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2 sin π/4 x माइनस कोस पाई बाय फोर प्लस प्लस। नाउ आई प्लस आई बाय फोर इक्वल टू 5i/4, 5i/4 इक्वल टू ई की पावर 2x/4 2 sin π/4 x माइनस कोस पाई बाय फोर प्लस एक्स प्लस, फोर से डिवाइड, ये फोर से फोर तो कैंसिल कर दो, सी को छोड़ दो और ये फाइव आ गया ई की पावर 2x/5, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन है। अब इस पे लिमिट लगानी है, इसको हमें इस पे लिमिट लगानी है, सो देयरफॉर आई इक्वल टू ई की पावर 2x/5 2 sin π/4 x माइनस कोस पाई बाय फोर प्लस एक्स और लिमिट आ गई 0 to 2π। अपर लिमिट लगा रहा हूं तो ई की पावर 2π/5 पाई प्लस पाई बाय फोर, पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में सर,
और cos भी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा तो ये भी नेगेटिव, ये तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट e की पावर 0 1 बाय 5, 0 रखा तो sin पाई बाय 4 हो गया 2 बाय रूट 2 और माइनस 1 बाय रूट, तो आपका फाइनल आंसर आ गया e की पावर 2 बाय 5 माइनस 2 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 और माइनस 1 बाय 5 1 बाय रूट 2, तो बेटा 1 अपॉन 5 रूट 2 कॉमन आ गया, तो आंसर आ गया माइनस e की पावर 2 पाई माइनस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम जरूर है लेकिन ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होगा, 1 अपॉन 5 रूट 2 e की पावर माइनस 2 पाई माइनस 1, e की पावर माइनस 2 पाई माइनस 1, ये इस तरह से सॉल्व होगा। क्लियर है? यस सर। चलिए अब जनरल प्रॉब्लम देखते हैं, ये तो थोड़ा सा अजीब सा प्रॉब्लम लिया था लेकिन आएगा तो बेटा आप ही चुका है, आएगा तो पहले इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल के बस इसके बाद लिमिट लगानी होगी। एक मिनट इसको सही करना है। चलिए नेक्स्ट, जीरो टू टू ई वन बाय लोग एक्स माइनस वन बाय लोग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, वन बाय लोग एक्स माइनस वन बाय लोग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो मैंने क्या बोला था बेटा, वन बाय लोग एक्स लोग एक्स लोग एक्स आ गया हर जगह, क्या बताया था आपको इंडेफिनेट में बेटा, लोग एक्स आ गया तो इंडेफिनेट में कुछ बताया था आपको, क्या बोला था आपसे? सर e की पावर में कन्वर्ट कर, हाँ लोग एक्स को t मान लेंगे, तो x हो गया e की पावर t, तो dx हो गया e की पावर t dt। अब समझना बेटा, जब हम कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल तो बेटा लिमिट भी चेंज होती है, लिमिट भी चेंज होती है। अब मैंने when x इक्वल टू 2 तो t आ गया आपका log 2, when x इक्वल टू 1 e तो t आ गया log e मतलब 1, तो लिमिट हो गई आपकी log 2 टू द 1 1 बाय t माइनस 1 बाय t स्क्वायर e की पावर t dt। आया समझ में? ये इसकी लिमिट हो गई। कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल में सुनना बेटा कनिष्क, क्योंकि ये तो पढ़ चुके हैं, ये तेली है, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट चेंज करते हैं मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। तो log x को मैंने t माना है तो x इक्वल टू e की पावर t हो गया, तो dx इक्वल टू e की पावर t dt हो गया, x इक्वल टू e की पावर t dx इक्वल टू e की पावर t dt। जब x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू log 2 हो गई, तो जब x की वैल्यू 1 e है तो t की वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू आ गई 1 by t minus 1 by t square e की पावर t dt। अब इसका डिफरेंशिएशन ये रहा तो हमारे पास प्रॉपर्टी ये है भाई, ये इसका आंसर आ गया बाय प्रॉपर्टी e की पावर x fx plus fdx इक्वल टू e की पावर x fx plus। अब लिमिट लगा दूं
यदि मैं वन लिमिट लगा रहा हूं तो ई और लॉग टू लिख रहा हूं ई की जगह, टू है क्या इसकी लिमिट, तो e की पावर t x के इक्वल है, तो आपको e की पावर log 2 टू द बेस ही, देखो इधर सही है वो लिमिट, तो e की पावर log 2 टू द बेस ही, तो ये हट जाता है हमारी प्रॉपर्टी होती है अपॉन t, ये वैल्यू आ गई, तो ये आंसर आ गया e की माइनस 2 अपॉन log 2 टू द बेस, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको समझते हैं बेटा दोबारा से, पहले तो log x को t माना, तो x इक्वल टू e की पावर t हो गया और dx इक्वल टू e की पावर t dt हो गया, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? नो सर। जब x का वैल्यू 2 है, देखो लोअर लिमिट x की जगह 2 रख दो, तो t का वैल्यू आ गया log 2 टू द बेस e, और जब x का वैल्यू e रखा तो log e टू द बेस e 1 हो गया, तो log 2 टू द बेस e टू द 1 ये लिमिट होगी। अब इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो प्रॉपर्टी लगा दी, तो 1 by t e की पावर t dt log 2 टू द बेस e, ये हमने लिमिट लगा दी, e की पावर 1 अपॉन 1 तो e माइनस e की पावर log 2 टू द बेस e, तो ये हट गया आपका, तो 2 अपॉन log 2 टू द बेस e, ये लोअर लिमिट हो गई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई। और देखिए जैसे एक और इसी टाइप की प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम करता है, लिमिट है 0 to 1 एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब देखो e की पावर x आ रहा है बाकी चीजें आ रही है, मतलब प्रॉपर्टी यही है। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे करेंगे समझो, 0 टू 1 नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ऊपर प्लस 1 भी कर दिया माइनस 1 भी कर दिया, इस तरह से लिख दिया, अब सेपरेट कर दिया इसको, इसको यहां से अलग किया 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एच डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये, तो प्रॉपर्टी लग गई जो पिछली वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, ये प्रॉपर्टी लग गई बाय प्रॉपर्टी। e की पावर x fx प्लस fdx इक्वल टू e की पावर x fx प्लस, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब इसमें लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगाया तो e और नीचे वन लिखा था 2 माइनस, लोअर लिमिट लगाया तो 1 अपॉन बस 1, तो आंसर आ गया e by 2 माइनस 1, इसका हमारा आंसर आ गया e by 2 minus 1, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? बोलिए, बोलो बेटा इसमें कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 e की पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x dx। हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब x की जगह और कुछ आ रहा है, जैसे यहाँ x की जगह 2x आ रहा है, तो मैं 2x को t ले लूंगा, तो ये आ गया 2 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt बाई 2 होगी। अब x की वैल्यू पाई बाय 4 है,
तो टी की वैल्यू पाई बाय टू, एक्स का वैल्यू पाई बाय टू है तो टी का वैल्यू पाई होगी, टी का वैल्यू पाई होगी। अब देखो लिमिट पाई बाय फोर टू पाई बाय टू, तो हो गया लिमिट पाई बाय टू टू पाई, e की पावर t 1 माइनस साइन t अपॉन 1 माइनस कोस t dt, 1 माइनस साइन t अपॉन 1 माइनस कोस t dt। नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन t बेटा, 1 माइनस वो सॉरी 1 माइनस साइन t, साइन t का आप फॉर्मूला लगाओगे हाफ एंगल वाला, साइन t को क्या लिख सकते हैं बेटा हाफ एंगल में बोलिए, 2 sin t by 2 cos t by 2. Very good. 2 sin t by 2 cos t by 2. और 1 minus cos t को लिख सकते हैं 2 sin square t by 2. अब अलग कर लीजिए pi by 2 से pi. Separate कर लो. अच्छा ये इसका dt by 2 कहाँ गया? 1 by 2 नहीं आएगा. तो 1 by 2 cosec square t by 2 और minus cot t by 2, clear? तो ध्यान से देखिए minus cot t by 2 का differentiation आ रहा है 1 by 2 cosec square t by 2, तो ये limit इधर लगा देता हूँ, ये देखो इसका answer आ गया, ये 1 by 2 e की power t into minus cot t by 2, limit आ गया pi by 2 से pi। अब यदि मैं पाई रखता हूं 4 पाई बाय 2 0 तक माइनस e की पावर पाई बाय 2 माइनस और माइनस प्लस और कोट पाई बाय 4 1 हो गया, तो आंसर आ गया e की पावर पाई बाय 2 बाय, आंसर आ गया e की पावर पाई बाय 2 बाय 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया e की पावर पाई बाय 2 बाय 2, क्लियर है? क्लियर है? देख लीजिए इसको, एक सेकेंड
हाँ बेटा मैं नहीं जा रहा। हाँ आज दिक्कत आ रही है यार नेट। बेटा 2 मिनट रुकना है यार नेट तो क्या पता क्या हो रहा है। चलिए अब सही हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है मामला। अब दिख रहा है ना सही। ठीक है तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आएगी तो इसमें आपको पहले यदि आपको कहीं भी चीज कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी लिमिट चेंज होगी। कुछ भी चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें लिमिट चेंज होगी। ये नेक्स्ट जीरो टू पाई बाई टू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स डी एक्स। एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स डी एक्स जीरो टू पाई बाई टू। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन साइन एक्स को वही हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वन प्लस कोस एक्स को भी लिखना पड़ेगा। तो बोलो भाई साइन एक्स को क्या लिखेंगे, अलग कर दीजिए इसको, इससे अलग किया तो एक्स बाई टू कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और इससे अलग किया तो ये हो गया टेन एक्स बाई टू एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू। अब हमारा ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड, इसको मैं सोल्व करना। तो देखो सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन बोलिए कौन बताएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन टू टेन एक्स बाई टू। वेरी गुड, टू टेन एक्स बाई टू क्योंकि टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई वन बाई टू
ये टू अब इसमें लिमिट लग गई जीरो टू पाई बाय टू माइनस जीरो टू पाई बाय टू ये भी जीरो टू पाई बाय टू एक्स बाय टू का डिफरेंशियल वन बाय टू और इसका इंटीग्रेशन टू टेन एक्स बाय टू और जीरो टू पाई बाय टू टेन एक्स बाय टू अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो सिर्फ हमें आंसर लगाना है एक्स बाय टू टू से टू कैंसिल तो हमें आंसर एक्स टेन एक्स बाय टू पे लगाना लिमिट आ गया जीरो टू पाई पाई बाय टू रखोगे तो टेन पाई बाय फोर वन हो गया और जीरो पे तो जीरो आ ही रहा है सो व्हाट इज द सॉल्यूशन इसका आंसर आ गया हमारा पाई बाय इसका आंसर हमारा पाई बाय टू आ गया ये इसका सॉल्यूशन हो गया क्लियर है क्लियर बोलिए चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अभी लेकिन अभी से देखो ट्राई कर रहा हूँ कि सही हो जाए वो कुछ इसमें कुछ फाइल का चक्कर हो रहा है बार बार बंद हो रहा है तो मेरे को लग रहा है कि इसको रीस्टार्ट करके इसको सही करना पड़ेगा तो ये वाली क्लास तो ले लेते हैं थोड़ी बहुत फिर उसके बाद मैं करता हूँ उसको ताकि एक बजे वाली हमारी क्लास हो जाए नहीं तो एक बजे वाली कैंसिल हो जाएगी नहीं तो चक्कर ही हो नेक्स्ट प्रॉब्लम जीरो टू वन एक्स लॉग वन प्लस टू एक्स डी एक्स जीरो टू वन एक्स लॉग वन प्लस टू एक्स डी एक्स इसको मुझे इंटीग्रेट करना है अब इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन देखो लॉग हमारा फर्स्ट फंक्शन आई लेट log first function और x second function first function as it is बोलो x का integration x square by 2 x square by 2 limit लग गया 0 to 1 minus first का differentiation use log 1 plus 2 x का differentiation सर 1 अपॉन 1 प्लस 2x पूरा बोल बेटा अभी नहीं हुआ पूरा पर इनटू 2 भी तो होगा बेटा इनटू 2 हां सर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो ये आ गया x स्क्वायर बाय 2 log 1 प्लस 2x लिमिट लग गया 0 टू 1 ये आ गया आपका 0 टू 1 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 x ऊपर की डिग्री क्या है ऊपर की डिग्री ज्यादा है बेटा यस सर 2 है तो डिवाइड करना पड़ेगा तो मैं x स्क्वायर को 2x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा 2x से डिवाइड किया तो x बाय 2 2x से x by 2 लाना है तो minus 1 by 4 और plus 1 by 4 नहीं 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 minus 1 by 4 बाकी हमें कोई मतलब ही नहीं अच्छा लिमिट हमें कांस्टेंट तो चाहिए ना इसको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी कर रहे हैं तो minus 1 by 4 minus x by 2 minus 1 by 4 तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग वन प्लस टू एक्स माइनस जीरो टू वन एक्स बाय टू माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस ये आया
अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसकी तो लिमिट जीरो टू वन है, तो पूरे की लिमिट अब जीरो टू वन होगी क्योंकि अब सब इंटीग्रेट हो जाएगा। x by 2 का इंटीग्रेशन x square by 4 minus or minus plus 1 by 4 x minus plus minus 1 by 4 log 2 x plus 1 upon 2 और लिमिट आ गया 0 to 1। अब 1 रख रहा हूँ भाई मैं, 1 by 2 log 3 minus 1 by 4 plus 1 by 4 कैंसिल हो गया और वो तो 1 minus 1 by 4 माइनस वन बाई एट लोग। अब बेटा जीरो पे ये जीरो 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 सब जीरो है, जीरो तो ये लोग वन आएगा, तो वन बाई टू लोग थ्री माइनस वन बाई एट लोग थ्री, एट एलसीएम आ गया तो फोर लोग थ्री माइनस फोर लोग थ्री, तो आंसर आ गया थ्री लोग थ्री बाई, तो आंसर आ गया थ्री लोग थ्री बाई एट, ये इसका आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से इसको करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से हमें इसको करना पड़ेगा। बेटा आज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं अभी इसको सही कर देता हूँ, मेरे फोन में कुछ दिक्कत हो गई तो अभी सही कर देता हूँ ताकि हमारी 1 बजे वाली क्लास हो जाए, बस आज आज की दिक्कत।